नमस्कार, आप देख रहे हैं लार न्यूज 24 और मैं हूं आफ्ताब आलम। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में अगर कोई भी एक मेंबरशिप भी लेता है तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मांगता है, क्योंकि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हमारे साथ लक्ष्मी गिरी हैं। आप बताइए, सबसे पहले आपका स्वागत है लार न्यूज। धन्यवाद। आपने RJD ज्वाइन किया, क्या कहेंगे आप सबसे पहले? बहुत खुश हूँ कि कल मैंने RJD ज्वाइन किया। क्यों? ये एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को आगे किया, ऐसा मैं मानती हूँ और देख रही हूँ, इसीलिए मैंने कल ज्वाइन किया और बहुत ही खुश हूँ। क्या करेंगे, आपका आगे प्रोग्राम क्या है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? अभी मैंने ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगी कि मैं जुड़ी रहूँ इससे और आगे काम करूँ, और मुझे भी कोई जिम्मेदारी मिले और उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाऊँ। इससे आप देखें तो छात्र हैं और इस छात्र के मुख्य संरक्षक हैं मिस्टर तेज प्रताप यादव, बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनको उनका काम किस नज़रिए से आप देखते हैं? उनका काम बहुत ही अच्छा होता है, जैसे मैं न्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ, पेपर्स वगैरह देखती रहती हूँ, और उनके जो काम है युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। उन्होंने हमेशा ही प्रयास किया है कि युवाओं को हमेशा आगे रखें, उन्हें सफल बनाएं और उनकी सहायता करें किसी भी मैटर में, किसी भी फील्ड में, इसीलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। कोई भी ऐसा वर्क बताइए जो तेज प्रताप यादव का, जिसे देख कर आपका हौसला अफजाई हुआ और आपने RJD ज्वाइन किया? मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि वो बहुत ही ज़मीनी इंसान है, मतलब कि लोगों के तबके में जाके सबसे बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स वहाँ जाके सुनते हैं, ये नहीं कि स्टेज पे सब बोल देते हैं कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, हमें नेता बना दो, हमें वोट करो, ऐसा नहीं है उनके अंदर। मैंने उनका न्यूज़ देखा हुआ है कि वो लोगों के बीच में जाके बातें करते हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए एक नेता के अंदर कि वो लोगों की बातें उनके घर में जाके सुने, इसलिए मैं प्रेरित हूँ उनसे। कोई भी ऐसा चीज़ जो एक्शन उनका, जो खासकर युवा हैं, यूथ हैं तेज प्रताप यादव, जो आज जो काम करें जिससे आपको प्रेरणा मिला, रास्ता मिला कि ये चीज़ हमको ज्वाइन करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो जब हम उनको युवा बोल ही देते हैं तो वो युवाओं के लिए ही काम कर रहे हैं, और ये चीज़ तो सबसे बड़ी प्रेरणा की चीज़ है कि मैं भी युवा हूँ, वो भी युवा है, तो फिर हमें साथ में रह के ही काम करना है। और वो इस चीज़ को प्रेरित कर रहे हैं कि हम युवाओं को एक साथ आना है, उनके किसी भी काम में ये चीज़ नहीं होती कि वो ओल्ड एज या फिर न्यू जो बॉर्न है उनको लेके चलना, नहीं, सबको साथ में लेके चलना है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। राष्ट्रीय जनता दल एक, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि एक विचार है, एक सिद्धांत है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनका जो विचार और सिद्धांत है खासकर लोग गरीबों के लिए, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? उन्होंने आज तक जो भी काम किया है श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, वो सराहनीय रहा है सबके लिए, और उन्होंने अपने गांव से लेके पूरे बिहार के प्रगति के लिए हमेशा कार्यरत रहे हैं वो, और ये चीज़ हमेशा प्रेरणा के पात्र रही है कि उन्होंने हमेशा ही लोकल लोगों को या फिर स्टैंडर्ड सबको मिला के चले हैं, सबको आगे किया है उन्होंने, छोटे से बड़े कार्य को प्रोत्साहित किया है उन्होंने, और सारी चीज़ों को अच्छा किया है, जो भी बिहार के लिए प्रोग्रेसिव रही हैं चीज़ें सबको सपोर्ट किया है उन्होंने। ये अब तेज प्रताप यादव जी कृष्ण हैं, छोटे भाई उनके अर्जुन हैं तेजस्वी यादव, वो तेज प्रताप यादव जी बार बार कहते रहे कि उनके छोटे भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, किस नज़रिए से इसको देखते हैं आप? सर, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि तेज प्रताप यादव जी युवा नेता हैं, और अगर उनके छोटे भाई बनते हैं तो उनको कभी भी कोई मुश्किल हुई तो वो अपने बड़े भैया से सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर कोई भी सजेशन लेना हो ले सकते हैं, और अगर वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई उनमें बात होगी ये बनने की, मुख्यमंत्री बनने की बात होगी तभी वो बोलते हैं इसीलिए। और आखिरी सवाल की, पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे, खास के यूथ हैं आप, युवाओं में क्या संदेश देंगे, क्या बातचीत करेंगे आप? सर, हमारा जो देश बनता है वो युवाओं से ही बनता है, हमारी जो सोच बनती है वो नेता लोगों के जरिए ही बनती है कि हम क्या सोचते हैं, हम जो देखते हैं हम सोचते वही हैं और वही करते हैं, तो हमारी पार्टी को मजबूत करने का सबसे बड़ा कार्य यह हो सकता है कि युवाओं को साथ जोड़ें, उनकी सोच को समझें, उनकी सोच को मोटिवेट करें, जो भी वो सोचते हैं उन पर हम कार्य करें, और उनको कैसे प्रमोट करना है उस चीज़ को मोटिवेट करें हम, और उस चीज़ों को प्रमोट करें। और ये एक चीज़ बताइए कि आप पे को जिम्मेदारी तो अभी नहीं मिली है, पार्टी में आपने ज्वाइन किया है, कौन सी जिम्मेदारी चाहती हैं आप खासकर? सर, मेरे कार्य के अनुसार उनको जो लगे कि मैं कर सकती हूँ, वैसे तो कोई भी जिम्मेदारी छोटी या बड़ी नहीं होती है, लेकिन शुरुआती दौर में मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहूँगी और इतनी छोटी भी नहीं जो मुझे लगे कि नहीं यार मैं इसके लायक नहीं थी, और मैं चाहूँगी कि मेरे कार्य के हिसाब से मुझे जिम्मेदारी मिले जिसको मैं बखूबी निभा पाऊँ। अगर मिली तो लोगों के बीच आप खास के एक लड़की हैं, लड़कियों को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगी, संदेश क्या रहेगा, मैसेज क्या रहेगा आपका?
सर देखिए, लड़कियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके माता पिता घर से निकलने नहीं देते हैं, तो लड़कियों को कन्विंस करने से पहले ज़रूरी है कि लोगों के बीच में बैठे हम और लोगों को मोटिवेट करें कि लड़कियां लड़कों से बराबर नहीं है। सब लोग कहते हैं लेकिन ये कार्य करते नहीं हैं कि हाँ ठीक है, घर में अगर भाई है बहन है तो भाइयों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा जाता। अगर पढ़ाया भी जाता है तो 10th और +2 तक ही उनकी स्टडी रह जाती है। तो मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी कि आप ऐसा ना करें, लड़कियाँ लड़के सब बराबर हैं और सबसे ज़्यादा घर अगर एजुकेट होता है तो वो लड़कियों की वजह से ही होता है, तो उनको घर से बाहर आने दें, राजनीति हो या एजुकेशन हो, कुछ भी हो, पॉलिटिक्स वगैरह, तो उनमें खुलकर भाग लेने दें। आखिरी सवाल कि तेज प्रताप जी भी युवा हैं और इतने कम उम्र में भी इतना बड़ा हौसला रखते हैं, इतना सारा काम करते हैं, तो कौन सा चीज़ आपका उनको तरीका पसंद आया जो इस राजनीति में आ पाए? सर वो युवा हैं, यही सबसे बड़ा तरीका है कि वो युवाओं के बीच में रह के काम कर रहे हैं और सबको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, सभी के कार्यों को देखते हुए वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ अच्छी लगती है मुझे उनके। बातचीत करने के लिए आपका ये लक्ष्मी गिरी हैं जो कि बिहार के सिवान की रहने वाली हैं, साफ करती हैं कि जो युवाओं की सोच है, तेज प्रताप यादव की सोच है, राष्ट्रीय जनता दल की सोच है, यही सोच को लेकर वो पार्टी में शामिल हुई हैं। अगर कोई जिम्मेवारी मिली तो मुकम्मल तरीके से उसे निभाने का वो काम करेंगी। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ आफ्ताब आलम, LR News 24x7 पटना। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।